उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ता जा रहा है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 468 नए मामले सामने आए हैं, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 160, नैनीताल में 110, अल्मोड़ा में 2, हरिद्वार में 26, पिथौरागढ़ में 52, पौड़ी में 21, उधमसिंह नगर में 23, चमोली में 10, बागेश्वर में 5, टिहरी में 23, उत्तरकाशी में 24, रुद्रप्रयाग में 12 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 88,844 हो गया, जबकि 80,738 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 5,510 केस एक्टिव हैं, जबकि 1,463 लोगों की अब तक मौत हो गई है। वहीं बड़ी खबर है पौड़ी से। पौड़ी में दिव्यांग नाबालिग से रेप, आरोपी फरार। तो हरिद्वार जिले में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पौड़ी तहसील के राजस्व क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग नाबालिग से दुष्कर्म का नया मामला सामने आया है। पीड़िता का मेडिकल करवाने के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून की ठंड ने लोगों को ठिठरने पर मजबूर कर दिया। प्रदेश भर में ठंड से लोगों के हाल बेहाल हैं। एक ओर जहां पहाड़ों में बर्फबारी के कारण लोग घरों में दुबके हुए हैं, तो वहीं मैदानी जिलों में भी ठंड से लोग घरों में दुबके हैं। इस ठिठुरन से अभी राहत नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, मौसम केंद्र के अनुसार एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। गढ़वाल क्षेत्र के ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की आशंका है, साथ ही बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मौसम का मिजाज 26 के बाद यानी 27 से बदलेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दोपहर से पहले मौसम ठीक रहेगा, लेकिन शाम तक फिर मौसम करवट लेगा और ठंड बढ़ेगी। 27 को कुछ इलाकों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने के साथ बारिश की संभावना है। 28 दिसंबर को कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की आशंका है। वहीं 29 को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। नैनीताल में 24 घंटे में दूसरी हत्या से सनसनी। बर्थडे बनाने गए युवक का अर्नग्न अवस्था में शव मिला है। पहाड़ी जिलों में नैनीताल में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर हत्या के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। गोली की दहाड़ से पुलिस भी हैरान है। नैनीताल में 24 घंटे के में दूसरी हत्या से सनसनी फैल गई है, शहर दहल गया है। गौर हो कि बीती रात काठ गोदाम में अमित कुमार नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। युवक ने 10 साल पहले लव मैरिज की थी और उसकी 7 साल की बेटी है। तो वहीं अब रामनगर में दिल दहला देने वाली खबर आई है। इस हत्या में एक बार फिर से पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। 24 घंटे में दूसरी हत्या से सनसनी फैल गई है। बागेश्वर में 2 लाख की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तो नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बागेश्वर पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी पाई है। आज पुलिस ने 1.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 लाख रुपए है। 4 दिन पहले भी बागेश्वर पुलिस ने 6.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। वहीं खबर है लक्सर से। आशीष हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह। तो लक्सर पुलिस को बसेड़ा खादर गांव में हुए आशीष हत्याकांड की बड़ी सफलता मिली है। मामले में पुलिस टीम ने 5 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मनाया क्रिसमस सांता क्लॉज बनकर, बांटी टॉफी और चॉकलेट। तो पूर्व मंत्री हरीश रावत ने बच्चों के साथ क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर हरदा ने सांता क्लॉज के वेश में बच्चों को टॉफी और चॉकलेट वितरित किए।